अस्सलाम वालेकुम। मरियम किचन में आप सबों को खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ धनिया के वड़े। ये 1.5 गड्डी मैंने धनिया ली हूँ, 2 प्याज को चॉप करके ली, 1 हरी मिर्च और 1 कप बेसन ली हूँ। ये हम इसके वड़े बनाने के लिए अब इसको मिलाएंगे। ये धनिया डालेंगे, अगर बेसन लगा तो मैं लूंगी। इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये मैंने 2 टीस्पून ली हूँ, 1/2 टीस्पून जैसे, आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। ये इसमें प्याज डालेंगे, 1 हरी मिर्च डाली हूँ, बहुत अच्छे लगते खाने में, जैसे हम वो आलू तेरे के बनाते हैं वड़े, उसी तरह ये भी बनते हैं। ये देखो फिर से 1 कप डाली, 2 गड्डी को 2 कप बेसन लगा, थोड़ा सा तेल डालेंगे 1 टेबल स्पून, इसको मिलाती हूँ फिर बताती हूँ। और हाथ गीला की अभी सवाल है कि आपको कितने बड़े चाहिए, मोटे चाहिए या पतले चाहिए। ऐसे पतले चाहिए तो आप कबाब की तरह हम बनाते हैं, ऐसे बना के इसके छोटे छोटे काट लेंगे। अगर बड़े चाहिए, ये फ्राई भी होते और ये डीप फ्राई भी होते और शेलो फ्राई भी होते। मैं भी छोटे छोटे ऐसे बना रही हूँ। अभी मैं बना के दिखाती हूँ, जैसे हम कबाब बनाते शामी कबाब, उसी तरह बनता है। फिर इसको भाप लेंगे। ये देखिए 6 पीस हुए। आपको चाहिए, अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप इतने बड़े या ऐसे छोटे कबाब बना के भी ऐसे भाप दे सकते हैं। मैंने चन्नी को ये की तेल लगाई और इसके नीचे पानी रखी हूँ। इसको मैं पहले बॉईल लेती हूँ, उसके बाद ये इसके ऊपर रख के ये करूँगी, भाप दूँगी। देखो पानी गर्म हो चुका है, इसमें हम
तीन तीन करके मैं ये करूँगी। मैंने पांच तरफ एक तरफ, 5 मिनट एक तरफ, 5 मिनट दूसरी तरफ मैंने इसे खोल के घुमाई थी, पलटाई थी इसको। अब मैं इसको निकालूंगी, चलो कम की। पानी चेक करते रहेंगे, थोड़ा डालती हूँ इसमें पानी। अभी ये डालती हूँ, फिर बताती बाद में आपको। देखो ये गर्म है इसलिए कटे नहीं गए, आपको जो शेप में काटना है काटो। मैं अभी मुझे फ्राई करके दिखाना है ना, इसलिए ज़रा गरम गरम ही काट रही हूँ। अगर आपको ऐसे गोल चाहिए तो आप गोल काटें, अगर ऐसे तिरछे चाहिए तो ऐसे काट सकते हैं, लेकिन अभी वो कट नहीं रहे हैं। इसको आप फ्रिज में रखेंगे ठंडा करने, जब ये हो सही कट्टे। अब मैं थोड़े से ही फ्राई करके दिखाती हूँ, ठंडे होने के बाद मैं काटूँगी। फ्राई करूँगी, आपको चाहे तो आप सोलो फ्राई भी कर सकते हैं इसको। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं उसी तरह ये फ्राई करेंगे, चटनी के साथ या केचप के साथ ये आप खा सकते हैं। चूल्हा करके बंद, ये देखिए देखिए हमारे पकोड़े वड़े धनिया के बनके तैयार है, मज़ेदार, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं तो एक टेस्ट करती हूँ, बहुत अच्छे बने हैं। आप भी बना के अपने बच्चों को खिलाइए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी और एक रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।